देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। बड़ी खबर, गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रुझान, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची दुमसर। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। चाय की चौपाल की टीम अभी के वक्त पहुंची है तुमसर में। तुमसर के बावनकर चौक पर हम यहाँ पे है अभी, और लोकसभा चुनाव का ये क्षेत्र है, और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रियाएं जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं अपने उम्मीदवार से, जो हमारे लोकसभा चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उनसे इन लोगों का क्या डिमांड्स है या इन लोगों की क्या मांगे हैं, ये हम जानते हैं। हाँ सर, बताइएगा। किसी भी पक्ष के बारे में नहीं जानना चाहूंगी, सिर्फ इतना ही पूछूंगी कि आप अपने जो उम्मीदवार है आपका, उसे आप किस तरह के स्वरूप में देखना पसंद करेंगे? अभी के हालत में तो जो देश में चल रहा है माहौल, वो एकदम गंदा इसलिए चल रहा है कि बड़े बड़े नेता ही गाली गुपचार देकर अपनी बातें रखते हैं। ऐसा हमारे उस जमाने में नहीं था। आज हम ये चाहते हैं कि भाई देश के अंदर में सच्ची राजनीति होना चाहिए, लेकिन सच्ची राजनीति नहीं दिख रही है, सब दुखी दुखी राजनीति दिख रही है। ऐसे इसमें हमें बहुत दुख होता है। व्यापारी लोग त्रस्त है जीएसटी से, चोरी करने को लगा दिए जीएसटी के अंदर में, बड़े बड़े व्यापारी चोरी कर रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि जीएसटी लगने से चोरी वाला माहौल तैयार हो गया है? पब्लिक के ऊपर उसका सब बटन गिर रहा है, नोटबंदी से भी वही हुआ कई लोग। आपको ऐसा नहीं लगता कि जीएसटी लगने से कालाबाजारी भी बंद हुई है? कालाबाजारी से तो ज्यादा, तो अभी तो ये आम जनता के ऊपर जो पैसा बढ़ रहा है वो तो भुगतान गरीब ही आदमी भुगतता है। उससे विकास भी तो हो रहा है? विकास तो हो रहा है, लेकिन सवाल ये आता है कि जीएसटी का जो जनता हम दुकानदारों से माल लेते हैं वो तो लगाता ही है, कभी चोरी का माल लाता है वो कभी लगाता है, तो आम जनता पर उसका प्रभाव गिर रहा है। तो आपका कहना ये है कि जो व्यापारी काम कर रहा है वो ईमानदारी से नहीं कर रहा है? करेंगे कि नहीं, सवाल ही नहीं आता जी। तो आपने जो अभी अभी तक का जो आपने कार्यकाल देखा, आप बुजुर्ग हैं, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जीएसटी का कोई तो भी जैसा पहले जो फार्मूला था जी, और अभी का जो फार्मूला है, ये छोटा फार्मूला जो है वो सर्वसाधारण लोगों को फुसाता है जी, नहीं समझे क्या? और पहले एकदम बढ़ा दिए तो धंधे पर इफेक्ट गिर गया लोगों के, नोटबंदी से लोग कतार में रह गए, कोई बीमार हो गया उसमें तकलीफ हो गई, आज भी लाइन में लगना पड़ता है, अपना पैसा अपनी निकालने के लिए लाइन में लगना। तो कहीं ना कहीं आप दुखी है बीजेपी? दुखी तो है, सवाल ही नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, कैसा देखते हैं अपना भविष्य? जो पुराने जमाने में चलते आए सर्व लोगों को, सभी धर्मों को, सभी जाति को लेकर चलने वाला चाहिए, वो समाज चाहिए, वो नेता चाहिए। तो आप किसे देखते हैं अभी लोकसभा चुनाव में? मोदी को तो नहीं देखते के तौर पर? मोदी को तो नहीं देखते? मोदी को नहीं देखते? नहीं नहीं, ठीक है, बोलिए सर। हाँ बिल्कुल, आवाज आता है क्या? जी बिल्कुल आता है, आता है सर, आप बोलिए। देखो पूरी पूरी दुनिया, पूरी कंट्री, ऑल कंट्री जी, सारे गरीब बनेंगे तो दुनिया को खंभा का बोर्ड लगेगा, और सारे अमीर बनेंगे तब भी दुनिया को खंभा का बोर्ड लगेगा, अमीरी गरीबी चलती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं कि गरीबी को उसके ऊपर पोसते रहेगा, गरीबों गरीब ऐसा नहीं है, गरीबी उसका भी योगदान बहुत है, अमीरी उसका भी योगदान 100% है, यानी गरीबी और अमीरी दोनों बैलेंस में रहेंगे तब दुनिया चलेगी जी। यानी आपका कहना ऐसा है हर स्तर का इंसान होना चाहिए, अपन अमीर बन के पूरी दुनिया, नागपुर देखना है, रिक्शा वाला देख रहे पैदल वाला नहीं मिल रहा है, दुनिया को थम्बा का बोर्ड लगेगा, अमीर लोग कम हो गए पूरे गरीब हो गए तो भी दुनिया को थम्बा का बोर्ड लगेगा जी। यानी आपका कहना ऐसा है अमीर और गरीबी दोनों शरीर के अंदर है, यानी आपका कहना ये है कि दुचक से साइकिल ने गाड़ी का रूप ले लिया और चिचक से साइकिल ने कैब का रूप ले लिया। धन्यवाद, थैंक यू सर। हाँ अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी सरकार है इसने जो विकास काम किया ये अभी तक इतना विकास का काम कांग्रेस सरकार ने नहीं की जी, और कोई सरकार नहीं कर सकती पाँच साल में, सेटिस्फाइड है और आगे भी
इससे ज्यादा विकास हो सकता है, इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। हाँ सर, आप किस तरह देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को? वही वैसा है जैसे पहले से, जो पहले गरीब जो कांग्रेस के जमाने में जो चल रहा था, जो आज जो मोदी सरकार जो है आज बहुत परिवर्तन में चेंज हो गया। जैसे धंधे वाले को जैसे किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास वैसे मोदी सरकार ने जो मदद की है धंधे पानी के लिए, जो ये जी जो कर्ज दिया है, कर्ज दिया है, मुद्रा लोन हो गया, ये हो गया जी, घर कुल योजना हो गया, जो ऐसी ऐसी आइटम जो बनाए जी, अच्छा जो योजनाएं उन्होंने गरीबों के लिए अच्छा किए, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत बढ़िया है। आप क्या चाहते हैं? इतना कि मोदी सरकार ही आनी चाहिए, मोदी सरकार आनी चाहिए, चेहरा कोई भी हो जी। धन्यवाद मैडम। मी शेतकरी जी, मला दादाजी बहुत चांगले भेटले हो, आणि ते पेन्शन चालू केलं, किसान पेन्शन वर्षाचे 6,000 ते बी जमा झाले, बेल मिळाले। हा म्हणजे शेतकऱ्यांची जी एक बेसिक गरज होती पूर्ण होईल। हा आणि मोदी सरकारला वोट केले पाहिजे, ते सरकार बचले पाहिजे, जे आले पाहिजे। बरं, पण असं जसं आता बाकीचे शेतकरी म्हणतात की आम्हाला नाही, ते पुराणी व्यवस्था आहे, ते फाशीची आता काही। आपल्याला असं म्हणायचं की जी जुनी व्यवस्था चालू होती त्याचं हे मोदी सरकारने चांगली व्यवस्था केली, आता काही आत्महत्या करण्याची आवश्यकता नाही। तुम्हाला दोन्ही पैसे मिळाले आणि धानाचा रेटही चांगला मिळाला, आणि आता म्हणजे आता तुम्ही खूप वयस्क आहात, तर तुमचं जे मनातलं जे आहे की कोण बनायला पाहिजे? मोदी मोदी बनायला पाहिजे, चेहरा कुठलाही असो। 72,000 योजना म्हणजे फोल आहे, 72,000 खोटी आहे, म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं की तो जुमलेबाजी करतो। हा जुमलेबाजी, खोटी व्यवस्था, मतदान करता खोटी जो बोलू, मतदान करता। हा मतदान करता। बर, धन्यवाद। अभी लोकसभा के चुनाव है, इसमें दोनों पक्ष के उम्मीदवार है, इन दोनों पक्ष के उम्मीदवारों में आप क्या चाहते हैं? मोदी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कोई एक वैलिड रीजन? उसका पासल में जो रीजन है अच्छा है, वो वाला रीजन। अच्छा रीजन है तुम सर की ऐसी, इसे अब क्या कहेंगे, तुम सर का ऐसा चेहरा कभी आपने देखा था? नहीं, थोड़े रोड वाड अच्छे बन रहे ना, अभी रोड वगैरह अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। पानी अपना पानी जो तुम सर में थी समस्या थी, वो भी हल हो रही है जी। और कुछ? और योजना और कुछ बाकी है जी? तो आप किसे वोट करेंगे? मोदी, मोदी को वोट करेंगे। हम सबसे पहली बात तो ये, थोड़ी बड़ी छोटी मोटी तकलीफें होती है जी, कुछ नहीं है। और आज का सबसे मेन बात ये कि जब हम 8वीं 10वीं क्लास में थे तो हमारे को भी प्रधानमंत्री कौन है ये मालूम नहीं था, आज मोदी को सब जानते हैं। और आज मोदी को सब जानते हैं, 5 साल का लड़का भी है, प्रधानमंत्री उसको पूछे कौन है तो मोदी कहता है, तो इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मोदी सरकार ही आनी चाहिए। बोलिए सर जी। मोदी आएंगे और आना ही चाहिए उनको, बहुमत से जीतेंगे। मोदी ने ऐसे कार्य किए हैं कि पिछले 40-50 सालों में कोई भी पार्टी नहीं कर जी, इसलिए ये तो निश्चित है कि मोदी जी को और 5 साल तक कोई नहीं रोक सकता जी। हमारे तुमसर शहर में अभी तक इतने डेवलपमेंट के काम कभी नहीं हुए, ये जो आप देख रहे हैं रोड के काम, ये इसके पहले कभी नहीं हुआ है। तो ऑल ओवर तुमसर कोई तकलीफ है आपको? अब काम चालू है, थोड़ी तो तकलीफ होगी, ये कुछ दिनों के कहना चाहते हैं, जख्म लगने के बाद उसे भरने वक्त लगता ही है, ये हमारी जख्म नहीं है। हाँ तो वही जो कांग्रेस की जख्म आप लोगों को दी हुई है, इतना तुमसर में इतना डेवलपमेंट इसके पहले नहीं हुआ था। पाइपलाइन नालियां बन रही है, नल का पानी की पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। तो गडकरी ने जो कौन से काम किए, क्या नहीं किए? सड़क योजना में राष्ट्रीय मंत्री बने हुए थे जी, मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने जो सड़क योजना बनाया, लोगों को कितनी तकलीफ हुई? तकलीफ हुई सर, रोड नहीं था तो तकलीफ हुई, रोड नहीं रोड है तो तकलीफ नहीं है। आज नागपुर में जाके देखिए सर, हर तरफ रोड का काम चालू है, 2-4 साल बनने तक तकलीफ होगी, बनने के बाद तो ये सब सुविधा लोगों की होने वाली है। आज यहाँ पे अगर रोड का है सर के अंदर में, अंतर्गत के अंदर में नानाबो पटोली जी थे जी, नानाबो पटोली जी आज मिनिमम 2.5 साल रहते हैं, उनके अंतर्गत में कितना काम है जी, जब तब तो मोदी की सरकार में बैठी थी जी, तो क्षमता नहीं थी इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दिया। वही लोग
पोजीशन में जाके बैठे और वही लोग बोल रहे हैं कि हम काम करेंगे जब सरकार में वो आदमी। यह है लोकसभा क्षेत्र के जनता का हाल, उठ किस करवट बैठेगा इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।